दोस्तों फिर से आ गया हूं एक नई शानदार वीडियो लेकर एक शानदार मुद्दे के साथ। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, एग्जाम हो चुके, 10वीं 12वीं के काफी सारे स्टूडेंट्स अपना करियर प्लान कर रहे हैं, अपना भविष्य प्लान कर रहे हैं कि कौन सा फ्यूचर मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन से फील्ड में जाना मेरे लाइफ के लिए, मेरे करियर के लिए सही होगा। आपके भी सवाल होंगे, इसलिए तो आप इस वीडियो में आए हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, जैसे हर बार देता हूं आपके सवालों के प्यारे प्यारे जवाब और विद फैक्ट एंड फिगर, वैसे ही दूंगा आज ये पूरे सेशन में, इस पूरे वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब। अगर आप चाहते हैं कि एक सही करियर चुने, अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ का सही डिसीजन सही तरीके से ले, क्योंकि देखिए ज्ञान देने वाले बहुत है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, किसी व्यक्ति से भी अपने करियर अपने फ्यूचर के बारे में पूछिए, वो आपको ज्ञान देने से पीछे नहीं हटेगा। हर व्यक्ति आपके लिए अपने तरीके का बेस्ट सलाह देगा, अपने तरीके का बेस्ट सलाह, जी हाँ, उसको जो सही लगता है वो आपको सजेस्ट करेगा, या फिर उसका जो सपना था वो आपको सजेस्ट करेगा कि वो कर लो। कोई आपको सजेस्ट करेगा यार आईएएस बन जाओ, बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है। कोई आपको सजेस्ट करेगा डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसा है, आराम से, आराम का काम है, बढ़िया काम है। कोई आपको सजेस्ट करेगा बिजनेस कर लो, तो कोई कुछ सजेस्ट करेगा, बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी से भी सजेशन मांगे, हर बंदा एक नया काम सजेस्ट करेगा। हम इंसान, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन लेने से पहले हजार बार सोचा करते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं कि डिसीजन लेने से पहले हजार बार सोचो, अच्छी बात है यार सोचो, लेकिन सोचने में इतना समय मत गवा दो कि डिसीजन लेने का समय ना बचे। एक सफल व्यक्ति कभी भी डिसीजन लेने से पहले नहीं सोचता, डिसीजन ले लिया उसके बाद सोचता है कि अब डिसीजन को सही कैसे साबित किया जाए, इसके ऊपर पूरी एनर्जी लगा दो। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों। डिसीजन लेने से पहले थोड़ा कम और डिसीजन लेने के बाद थोड़ा ज्यादा सोचो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं था, जिनका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं था, डिसीजन ले लिया है, अब उसको सही साबित करने की बारी है भाई। और जिन लोगों को अभी डिसीजन नहीं लिया है वो खुद पर बिलीव करें, समझिएगा दोस्तों। आज इस वीडियो में एक ऐसा टूल देने वाला हूं जो कि आपको सेल्फ एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा। आपके मन में बहुत सारे खुद को लेके डाउट होंगे, बहुत सारे खुद के स्किल को लेके डाउट होंगे कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज है, मैं कौन से फील्ड में बेस्ट कर सकता हूं, मैं कौन से फील्ड में बहुत अच्छा बन सकता हूं। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो के अंत में दूंगा आपको सेल्फ टेस्टिंग का एक शानदार टूल, बहुत शानदार टूल, कि लोगों की मत सुने, आपके अंदर जो क्वालिटीज है खुद की सुने, आप किस में बढ़िया कर सकते हैं वो आपको खुद से पता चल सकता है इस टूल के जरिए। तो इस वीडियो के अंत में उस टूल का इस्तेमाल करना, खुद को समझना एकदम मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पे हम बात करें 10वीं 12वीं के बाद कौन सा कोर्स ले, कौन सा करियर चुने जो कि आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। पता है कोई भी करियर आसान तब होता है जब आपका उस पर 100% फोकस होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछा करते हैं कि सर मैं किस फील्ड में जाऊं, यार आप किस में इंटरेस्टेड हो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाओ। पता है जिंदगी का एक लंबा समय काम करने के बाद आपको अगर ये एहसास हो कि यार इतना काम कर लिया लेकिन फिर भी वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो वाला इंटरेस्ट नहीं आया, वो वाला मजा नहीं आया जो जिंदगी में आना चाहिए, तो क्या मतलब आपके किसी फील्ड का, क्या मतलब आपके लिए गए इस फैसले का। आज जो आप फैसला लेते हैं वो आपके कल के भविष्य का निर्माण करता है। तो आज के फैसलों पर बड़ा अहम विचार कीजिए, सोचिए कि आपका फैसला आपको कहां तक लेके जाएगा, क्या अचीव कराएगा और कौन सी चीजें आपसे छूट जाएंगी। स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे कोर्सेस को लेके भी डाउट रहते हैं। कोर्सेस के लिए भी हमारा नजरिया देखिए, हमारी सोच देखिए, आज कोई एनिमेशन नहीं चलेगा, आज कोई ग्राफिक्स नहीं चलेगा, आज दिल से दिल की बात करूंगा सर। हमारा नजरिया देखिए कि हमने कोर्सेस को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कैटेगरी में बांट दिया है। मतलब जो मैथमेटिक वाला बच्चा है वो एकदम शानदार है, मतलब पढ़ने में एक्सपर्ट है, ऐसी समाज की सोच है, ऐसा समाज का नजरिया है, लेकिन ये गलत है। सब्जेक्ट का कोई कैटेगरी नहीं होती, सब्जेक्ट कभी ऊपर नीचे नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए। अच्छा देखना, मार्केट में साइंस वाले बच्चों की बड़ी इज्जत होती है, इसने साइंस लिया है, ये तो मैथमेटिक्स से कर रहा है, ये तो बायो वाला है, बड़ी इज्जत है इसकी, इसने अगर साइंस साइड चुना है तो एकदम रेस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार बच्चा है, बहुत ही शानदार है। अगर इसने कॉमर्स चुना तो ये मीडियम ग्रेड में आ गया, मतलब ये अकाउंट्स में जाएगा, ये मीडियम ग्रेड का है, हाँ साइंस में इसका दम नहीं था, जो कुछ नहीं ले रहे कॉमर्स ले रहे। कुछ लोगों का ऐसा भी बुरा बोलना है, आर्ट्स लेने वालों को तो इतनी बुरी नजर से देखा जाता है, मतलब मानो कि आपने कुछ पाप कर दिया हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने किस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लिया है, या आपकी सोच ने क्यों ऐसा डिवाइड किया। आज आर्ट्स लेने वाला एक बच्चा अभी कल को आईएएस बन के डिप्टी कलेक्टर बन के आपके एरिया में आ जाएगा तो फिर क्या आपकी सोच यही रहेगी? नहीं रहेगी, आपकी सोच बदल जाएगी। तो सब्जेक्ट से सोच नहीं बनानी है,
सब्जेक्ट से जो अचीवमेंट करना है उस पर काम करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप कौन सी अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं। आपके लाइफ का सपना ही आपके सब्जेक्ट को चूज करने में आपका हेल्प करेगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है साइंस ही लीजिए ताकि समाज में आपकी रेस्पेक्ट बनी रहे। समाज आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपके अचीवमेंट्स की रेस्पेक्ट करता है, आपके लिए गए फैसले की रेस्पेक्ट नहीं करता। फैसला जब भी आप लेंगे, कुछ लोग उस फैसले के समर्थन में आएंगे और कुछ लोग उसको नेगलेक्ट करेंगे, कुछ लोग उसको नेगेटिव बताएंगे। लेकिन जब उस फैसले से लिए गए आपके अचीवमेंट सर चढ़ के बोलेंगे ना, तो हर कैंडिडेट आपके सामने सर झुकाएंगे जो आपके फैसले से कभी सहमत नहीं थे। तो अपनी फैसलों पर फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स पे फोकस कीजिए। आप जो भविष्य प्लान कर रहे हैं उस भविष्य के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कौन से आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, इस पर काम कीजिए। सब्जेक्ट हमेशा मैटर नहीं करता, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपका गोल मैटर करता है। क्योंकि आप जिसमें एक्सपर्ट ना भी हो, अगर आपका फोकस, आपका गोल उससे रिलेट करता है ना, तो आई एम डैम श्योर आप अपनी जिंदगी का फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन फोकस उसमें डाल देंगे और आप उसको अचीव कर सकते हैं। मेरा भरोसा आपके साथ है, मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। बसरते आपको भी ये यकीन खुद के अंदर डालना होगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा। आपका फोकस, आपका गोल क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पहले अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए मैटर नहीं करता। आप किसी भी चीज के साथ फ्लो में बह जाएंगे। आप अपने दोस्त की सुन लेंगे, आप अपने रिश्तेदारों की सुन लेंगे, आप अपने पेरेंट्स की सुन लेंगे, आप अपने भाई बहन की सुन लेंगे। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर होगा ना कि सुनना क्यों है और करना क्यों है, क्या मुझे अचीव होने वाला है इस सब्जेक्ट को लेके, क्या मुझे नाम अचीव होने वाला है, क्या इस समाज में मेरी रेस्पेक्ट करने के लिए मैं इस सब्जेक्ट को ले रहा हूं, तो आप गलत जा रहे हो भाई। रुक जाओ, ठहर जाओ, समय दो खुद को और दूसरों को देखने के बजाय खुद पर फोकस करो। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सब एकदम भेड़ बकरी की रेस में भागते हैं, एडमिशन कराना, एडमिशन कराना। एडमिशन से जरूरी यह है कि लाइफ में क्या करना है इस पर फोकस करना है। क्यों करना है, मकसद क्या है, चाहिए क्या, करना तो है, चलो भाई बनना है, बिजनेस करना है, क्यों करना है, मकसद क्या है, मोटो क्या है, रीजन क्या है, इन सवालों पर गौर कीजिए। आपको आपका सब्जेक्ट, आपको अपना फैसला लेने में बड़ी आसानी होगी। क्या क्या स्किल्स चाहिए उस फैसले के लिए लिस्ट बना लीजिए। कौन से स्किल आपके अंदर पहले से अटैक कर लीजिए, कौन से स्किल लानी है इस पर काम कीजिए। बड़ी क्लैरिटी मिलेगी गाइस। अपने गोल पर फोकस कीजिए, सब्जेक्ट कभी बार मैटर नहीं करते। हमेशा ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो यह जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है यह जानना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान आपके पास होगा लेकिन ज्ञान का उपयोग करना आपको नहीं आता, तो ऐसे ज्ञान का कोई काम नहीं, ऐसा ज्ञान निरर्थ है। बहुत सारे इंसान अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने के लिए एक लंबा समय बिता देते हैं। फैसला सही हो या गलत लेने के बाद आपकी मेहनत उसे सही या गलत साबित करती है। आपका लिया गया फैसला हमेशा सही होता है, लेकिन आपकी की गई मेहनत उस गलत फैसले को भी सही साबित कर देती है। दुनिया एक समय आपके सामने भी नजरें और अपना सर दोनों झुका ले। तो आप अपने फैसले पे फोकस कीजिए, बाकी सब दूसरों पे छोड़ दीजिए। जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना, करने दीजिए। आपका फोकस आपके फैसले पे होना चाहिए, आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं उस पे होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं उस पे होना चाहिए। बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे भी लोग हैं, खाली बैठना है, आराम करना है, भाई उसके लिए भी कुछ तो करना है, कुछ तो स्किल सीखनी पड़ेगी। आप इस चैनल पे आ गए, बिजनेस तो मैं सिखा दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आपके अंदर जगा दूंगा। आज जो सेल्फ टेस्टिंग का टूल देने वाला हूं उसमें आपको समझ में आ जाएगा आप जॉब पर्सन है या एंटरप्रेन्योर है, जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, क्लैरिटी मिलेगी आपको। बताया था ना आपको सेल्फ टेस्टिंग टूल दूंगा इस वीडियो में, दे रहा हूं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्यारी सी लिंक डाल रहा हूं, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए। 20 क्वेश्चन, 20 सवाल आपको क्लैरिटी दे देंगे कि आप जॉब पर्सन है या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, जॉब करने वाली क्वालिटीज है या बिजनेस करने वाली क्वालिटीज है। बहुत अच्छे से फॉर्म को पढ़िएगा, 20 सवाल आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी और आपके स्किल के ऊपर आपको बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप अभी कहां हैं और कहां तक का सफर आपको तय करना है, कौन कौन सी स्किल है जो आपको खुद के अंदर डालनी है, लाना है, बहुत जरूरी है। ये 20 सवाल, हर सवाल के दो जवाब लिखे हुए हैं, दो में से कोई एक सेलेक्ट कीजिएगा, वो बताएगा, लास्ट में आपको आंसर भी दिखेगा। क्लियरली देखिएगा, बहुत क्लियर से मैंने ये फॉर्म डिजाइन किया है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिजाइन किया है। आपके सपने के ऊपर ये पूरा का पूरा फॉर्म है गाइज।
कौन सा करियर, कौन सा जॉब, कौन सी अपॉर्चुनिटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं करता। कौन सा भविष्य, ये ज्यादा जरूरी है। कौन सा सपना, ये ज्यादा जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप एक सही फैसला लेंगे, अपने गोल पे पहले फोकस करेंगे, फिर उस गोल के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं उस पे काम करेंगे। क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, मैसेज डाल देना, व्हाट्सएप कर देना, पूरी क्लैरिटी वन टू वन समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए चैनल पे वीडियो भी डालता हूं, पूरी वीडियो शेयर कीजिए हर उस कैंडिडेट को जिसको ये फैसला लेना है, कौन सा करियर चुनना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। जिसको भी इस पे क्लैरिटी नहीं होगी उस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी यही सोच रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लो, और आप यहां बैठे हैं, आपका बच्चा, आपके पड़ोसी का बच्चा भी यही सोच रहा है कौन सा सब्जेक्ट लो, और आप यहां पे बैठे हैं, सिर्फ अकेले वीडियो नहीं देखनी है, शेयर करना है सबको, हर उस कैंडिडेट को शेयर करना है जिसको इसकी जरूरत है, उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है, उसको बोलिए इस नंबर को डायल करें, मैसेज करें, पूरी हेल्प करूंगा, वन टू वन समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए और हर बार मेरी इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और अपने सवालों को पूछते रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।